दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। तो जैसे कि आप में से बहुत व्यूअर्स को पता है कि आज सैटरडे है और आज मेरा ऑफ रहता है, तो मैं हमेशा हर सैटरडे पे गांव आता हूं। मेरा गांव लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर एक पड़ता है रामनगर, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे है। तो अभी जब मैं घर आया तो मम्मी ने बोला कि उनको बूस्टर डोज लगवाना था, तो आज हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में सभी को कोविड का जो थर्ड डोज होता है वो लगवाने के लिए। ये मेरा रूम है छोटा सा गाँव का, जहाँ मैं हमेशा से रहता आया हूँ और ये आप डिटेल देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं जो है हॉस्पिटल की तरफ और सबको लगवाते हैं बूस्टर डोज। और साथ में जब भी आपकी फैमिली में कोई जाए तो आप जब भी डोज लगवाएं तो आप अपने साथ की डॉक्यूमेंट्स और ये आधार कार्ड इसको जरूर रख लें, क्योंकि इसी के हेल्प से आपका रजिस्ट्रेशन होगा थर्ड डोज के लिए। और आप सभी थर्ड डोज जो बूस्टर डोज है उसको आप जल्दी से जल्दी जो है लगवा लें। दोस्तों अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ और बाहर का ही सीन ऐसा कुछ दिखेगा आपको। यहाँ पर मम्मी और भाभी जो है वेट कर रही है मेरे आने का, और ये बाहर मैं निकलता हूँ, सामने हमारी गाड़ी वेट कर रही है। दोस्तों गाड़ी में बैठने के बाद पहला स्टेप होता है कि आप सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है स्टेप। आप किसी भी इस ग्रुप में हैं, कहीं भी ड्राइव करें, आप गांव में हो शहर में हो, सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आने दुर्घटनाओं से। तो दुर्घटनाएँ होती कभी किसी को बता के नहीं आती, ठीक है। तो ये आप मम्मी लोग बैठ रही हैं और फिर हम चलते हैं रामनगर की तरफ और वहाँ देखेंगे कि कहाँ पर CST हॉस्पिटल है, कहाँ पर वैकेंसी जो है वैक्सीन लगेगी। देखिए मेरे गांव का सीन, देखिए कितना बेहतरीन एक नज़ारा है। ग्रीनरी आप देखिए, शहरों में लोग जिन चीज़ों के लिए तरसते हैं वो आपको गांव में मिल जाता है, ठीक है। देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर तरफ हरा हरा है। तो ओवरऑल का देखिए रहने के लिए जो शुद्ध परिवेश है वो गांव में ही मिलता है। ऑक्सीजन की प्रॉपर यहाँ पर जो है मात्रा मिल जाती है, पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें गाँव से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के रामनगर के पास की सीनरी क्या कुछ है। तो दोस्तों ये आपके सामने मेन रोड है जो रामनगर जाती है, इसको बोलते हैं रामनगर फतेहपुर रोड। पीछे जाएंगे जैसे हम आ रहे हैं तो आप जाएंगे फतेहपुर, फिर आप जो है सीतापुर वाया दिल्ली, और अगर आप स्टेट मतलब जाएंगे, समय चल रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ रामनगर की तरफ। आगे हमको मिलेगा जो है रामनगर गोंडा बहराइच का मेन हाईवे। दोस्तों ये है आपका जो है मेन बुढ़ौल का चौराहा, इसको बोलते हैं बुढ़ौल चौराहा, ठीक है। अब यहाँ आप जो है इस समय हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ से आप अगर राइट साइड जाएंगे तो आप लखनऊ की तरफ बाराबंकी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मुझे जाना है रामनगर CSC। तो अब हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, ठीक है। ये आपका मेन रूट है, यहाँ पे आप बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती बहराइच इसी रूट से जाते हैं, इकलौता रूट है। तो इस रूट को आप देख सकते हैं, ये बदोसराय की तरफ हमें टर्न लेना है, क्योंकि हमारी जो CSC है तो इस साइड ही है। तो मैं इंडिकेटर के दूंगा और फिर मैं इधर टर्न लूँगा, ठीक है। देखिए ये पार्ट था बुढ़वल का और अब हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ। नया रोड टिकैत नगर फैजाबाद जाने के लिए पड़ता है और इसी रूट पे जो है आपको पड़ेगा रामनगर का CSC हॉस्पिटल। अप्रॉक्सीमेट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से है। ये मार्केट देख लीजिए और ये वो स्कूल है जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, यूनियन इंटर कॉलेज। आप देख सकते हैं ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ आपको पड़ेगा एक जो है गर्ल्स कॉलेज भगवान देवी पाटन साह करके, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आप धीमे धीमे करके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप आते हैं लगभग 500 मीटर फिर आपको यहाँ से राइट टर्न लेना होता है। देखिए रास्ता काफ़ी बुरी है, आप सोचिए कि CSC पे कोई व्यक्ति कैसे जाएगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट का जो है एक हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट ने ही इस रूट को मेंटेन नहीं किया है। इसी रूट पे आपको मिलेगा जो है यहाँ की जो लोकल तहसील है रामनगर तहसील भी मिल जाती है, और इससे लगातार विधायक और जो भी हमारे SDM हैं DM हैं वो सब निकलते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि ये जो रूट है इसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा रिपेयर कर दिया जाए ताकि जो है आसानी हो लोगों को आने जाने को लेकर, ठीक है। बट कोई नहीं, गवर्नमेंट है वो क्या चाहती भाई जाने। अब यहाँ से आप देखेंगे मैं राइट साइड से वो स्कूल है जो हमारा बचपन का, जहाँ हमने पढ़ाई सीखी है। देखिए प्रशांत पाल विद्या मंदिर, ये वो स्कूल है जहाँ हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की थी अपने स्टार्टिंग के डेज में, और ये शायद रामनगर के हर एक बच्चे का कहना है स्कूल होता है, यहीं से हम लोगों ने पढ़ाई की थी और फिर आगे हम लोग गए कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद उसी रूट पे आपको मिलेगा नगर पालिका रामनगर का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको देख लीजिए, हमारे एक टीचर थे जो है वो भी यहाँ रहा करते थे उस जमाने में जो है, मुजाहिर सर, ठीक है। आई थिंक जो व्यूअर्स रामनगर के उनको पता होगा सर के बारे में। फिर आप आगे जाते हैं तो कुछ ऐसा रूट दिखेगा, इसी रूट पे आपको जो है लेफ्ट हैंड पे दिखेगा रामनगर की जो है तहसील,
जहाँ से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, चाहे वो आपकी काउंसलिंग के लिए आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, आप देख सकते हैं लेफ्ट तरफ थोड़ा दूर है, दिखेगा नहीं, बट अभी फिर ले चलेंगे आपको हम उस तरफ, लेकिन आप ये रूट देख लीजिए, यहीं पर आपकी तहसील है और यहाँ से आप इसको जो है करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे सीधे, क्योंकि हमको चल रहे हैं CST, और यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर आपकी जो CST है, फिर वहाँ चलेंगे, या आपका डाकखाना भी यहीं पर है, डाकघर को बोलते हैं, हेड ऑफिस जो है रामनगर की लेफ्ट राइट साइड पे। आप लगभग आएंगे 400 मीटर्स, तो आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है CST के लिए। अब देखिए कि कितनी मतलब कदर बहुत बुरी स्थिति है रामनगर CST की, कि एक कदर एक अच्छे शहर की जो है CST और इतने अंदर है कि आम आदमी इसको सर्च नहीं कर सकते हैं। इवन बहुत से लोग क्या है ना कि वो यहाँ नहीं आते हैं, वो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ की दूरी 25 किलोमीटर की है, और यहाँ वो सोचते हम जाएंगे डॉक्टर मिले ना मिले, क्योंकि अभी भी बहुत पिछड़ा है CST एरिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी तो बनी, बट रोडों पर अभी पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि मतलब कितनी बुरी कंडीशन है, कि आम आदमी अगर आना चाहे एमरजेंसी में तो वो नहीं आ सकता है, हो सकता है कि आने से पहले ही उसके रास्ते में जो है कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट कोई नहीं, आप देखते रहिए और देखिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ है UP गवर्नमेंट के जरिए। CST तो बनी, लेकिन ना रास्ता सही बना और ना वहाँ पर जाने के लिए सही रूट, और इतना अंदर बन गया कि लोग आ भी नहीं सकते। अब आपको सामने रामनगर CST दिख रही होगी, आप इसको देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। अभी जो बूस्टर डोज अवेलेबल है वो यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है, तो रामनगर के लोग या फिर जो आसपास के लोग हैं वो यहां से अपना डोज जो है कैरी कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, ठीक है ना। आप सामने देख सकते हैं रामनगर CST के बारे में, ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम चलेंगे अंदर तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं रामनगर के CST पर और अब हम यहाँ से करेंगे एंटर। ये मेरी फैमिली है जो बूस्टर डोज लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, ठीक है, तो अब हम धीमे धीमे यहाँ से एंटर करेंगे। सेकेंड फ्लोर पर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बूस्टर डोज लगता है, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ से देखेंगे आगे के प्रोसीजर को। ये यहाँ की जो है फार्मा OPD है, जहाँ पर आप मेडिसिन ले सकते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं डॉक्टर के लिए, और फिर चल रही है, फिर ये आपका वार्ड है, ठीक है, यहीं से हम जाएंगे सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। इनसे पहले आपको जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन चाहिए, और क्योंकि वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे, पीछे कोई एक भैया हैं वो वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम बूस्टर डोज को जो है लगाने के आगे प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। देखिए तो गवर्नमेंट ने कितनी बेहतरीन फैसिलिटी दी डॉक्टर्स के लिए, देखिए आवास भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट बस यही है कि अव्यवस्थाएँ हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल सही दिखेंगी। हम यहाँ देखते हैं आनंद भैया शायद मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको आनंद भैया मिल जाएंगे जो कि बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, और बाकी सभी स्टाफ जो है वर्किंग है, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो भैया यहाँ पे प्रोसीजर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप आधार या फिर आपके पास कार्ड अगर पहले का है तो उसके द्वारा वेरीफाई करेंगे, आपको मोबाइल नंबर कुछ कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, कोई भी वेरीफाई डॉक्यूमेंट हो जिससे एक बार जिससे आपका मिल जाए, हाँ, तो आप उसके जरिए कर सकते हैं। भैया ने अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, ठीक है। तो सभी व्यूअर्स जो अभी मतलब इनकी एज हो चुकी है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया थर्ड डोज बूस्टर डोज, तो आप सभी ले सकते हैं, अब गवर्नमेंट इसको अलाउ भी कर दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो चुका है, और जो है कह सकते हैं कि स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, थोड़ा शहर से दूर है वो अलग की बात है, बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ना कि जो है स्टाफ कोऑपरेटिव है। अगर आप जो है कोई काम कराना चाहते हैं या किसी वर्क से आते हैं या ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो अगर आप स्टाफ से प्यार से बात करेंगे, क्लियरली बातें रखेंगे, तो स्टाफ आपको कोऑपरेट करता है। तो बहुत बता रहे हैं अकेले जो सब कुछ कर रहे हैं, ये मम्मा को जो है बूस्टर डोज लग रहा है, और अब भाभी की बारी है। तो दोस्तों ओवरऑल सबको वैक्सीन लग चुकी है, और हम थोड़ा सा यहाँ पर जो अदर फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है लाइक फ्री ब्लड चेकअप या BP चेकअप, तो उन सब प्रोसीजर में जो है भाभी को थोड़ा इंटरेस्ट था तो मैंने करा लेते हैं, तो वो लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, मैं थोड़ा एक सूट कर लेता हूँ। तो ओवरऑल जो है आपको वैक्सीन लग चुकी है, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएँ थी मैं सेटिस्फाई हूँ पर्सनली, और मुझे अच्छी लगी। बस कहते हैं कि किसी भी काम को कराने के लिए आपके पास वो हुनर होना चाहिए, आपके पास शब्द जो होते वो अच्छे होने चाहिए। तो ये फिलहाल के लिए सब मतलब सबकी अच्छी रेटिंग आई है, ये डिटेल आप देख लीजिए रामनगर CST की,
और इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पर करूँगा ख़त्म, और फिर मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग ब्लॉग्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।